मध्य प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है, ऐसे में छतरपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली से परेशान लोग बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और जाम लगा दिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के कई इलाकों का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ जगह तो तापमान ने 48 डिग्री को छू लिया है। अब ऐसी चिलचिलाती गर्मी में अगर बिजली चली जाए तो सोचिए क्या होगा। ऐसा ही छतरपुर में देखने को मिल रहा है। यहाँ बिजली की अघोषित कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतर आए। लोगों ने सागर कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 7 दिनों से अघोषित बिजली से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। परेशान लोग नई बिजली की डीपी की मांग कर रहे हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक सड़कों पर जाम लगा रहा। जाम से दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस की समझाइश के बाद लोगों ने जाम खत्म किया। हालांकि छतरपुर जैसे हालात ही पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को इस समय अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लाइट नहीं आ रही हमारी 3 दिन से, घर में पानी नहीं है, बच्चे के लिए पढ़ाई का चाहते हैं कि लाइट सही हो जाए। केबल सब फाल्ट है, केबल वो आते हैं गाड़ी वाले तो कहते हैं हमारा टाइम हो गया, हमारे बस की नहीं है, हम जा रहे हैं। हम लोगों ने कल रोका था तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करके भाग गए थे, कहते हमारा टाइम हो गया। अभी आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने नहीं बुलाई थी गाड़ी, जाम लगाया था, कहीं से आ रही थी तो वो खड़ी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी अभी लाइट सही हो, परेशान है। आते से लाइट नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, यूज लाइट नहीं है वो, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं उसमें, ना ही पंखे चलते हैं, ना कूलर चलते हैं और ना ही गेट चल रहे हैं। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं क्योंकि छत में ज्यादा कोई सो नहीं पाता है, तो मच्छर है सब कुछ है, उससे परेशान होकर हम लोग क्या करें, ना पीने के लिए पानी हो पा रहा है। हम लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए अलग से डीपी भी रखी जाए, वहाँ पर डीपी भी नहीं है इसलिए लोड ज्यादा नहीं ले पा रहे। सब जगह गए भैया शिकायत करने के लिए, जबलपुर में भी की, 19 बारह पे भी की, हर जगह जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक गए हैं, कुछ नहीं रहते। हाँ हो जाएगा, और गाड़ी आती है वहाँ भी, आने के बाद भी गाड़ी ये बोलती है नहीं हम लोग यहाँ पे कंप्लेन नहीं है। पर्सनली जाके भी हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लेन किया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फोन पे बस की हो। हम वार्ड नंबर 216 रोड रघुनंदन बिहार कॉलोनी में, जिससे कि हमारे सारी कॉलोनी रघुनंदन बिहार 5 दिन से बराबर बहुत तस्त व्यस्त है लाइट की वजह से। कभी लाइट का वोल्टेज इतना आता कि हमारे सारे कॉलोनी के बल्ब फका फक हो जाते। फिर इसी तरह कभी कल शाम को 8-9 बजे करीब इधर जो खम्मा लगा है उसमें इस तरह से फाटिंग हुई कि सारे केबल पूरे मोहल्ला की जल चुकी हैं। अभी भी आप जाते तो देख के आते केबल रोड में पड़ी है। अगर कोई रास्ते में आता तो बच्चा, औरत, महिला, बूढ़े, बच्चे, जानवर सभी उसी रोड पे पड़े हुए दिखा दे, कोई सुनने वाला नहीं है। एमपी वालों को फोन करते हैं, बोले हो जाएगा। हम लोग आशा में पड़े रहते हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। ना हमारी कॉलोनी में डीपी है, ना डीपी है, ना कुछ भी नहीं है, तो हम लोग तो ऐसे पड़े रहते हैं। और बिल की टाइम जब आता है किसी को बुलाते हैं तो 500 दो, 1000 दो, 2000। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।